चंचुला ने कहा मेरे पति का उद्धार हो ऐसा करो। माँ पार्वती ने तंबूर को बुलाया और कहा जाओ इसके पति को कथा सुनाओ। और तंबूर गया उस प्रेत को बांध कर जबरदस्ती कथा सुनाया। कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको जबरदस्ती लाओ तो भी नहीं आएंगे, आप कहने जाओगे तो भी नहीं आएंगे, उसके भाग्य में नहीं है, अरे आ गया तो बैठेगा भी नहीं। और जो जिंदा होकर भी कथा नहीं सुनेगा तो मृत्यु के बाद तो कैसे सुन सकता है। जीते जी उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो उसका फल कैसे मिल सकता है। इसलिए उसको बांध कर जबरदस्ती कथा सुनाई और वो प्रेत योनि से छूटकर भगवान शिव का गण बन गया। भगवान शिव के कैलाश में आ पहुंचा। ये कोई दंत कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पित नहीं है, ये शिव महापुराण की महिमा है। क्योंकि भगवान शिव जैसा कोई भोला नहीं है, इसलिए इसका नाम है देवादिदेव महादेव। और महादेव माने सनातन धर्म का पाया। हिंदू ये कोई धर्म नहीं, हिंदू का नाम ही एकता का। आपका और मेरा धर्म क्या है, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आपका और हमारा सनातन धर्म है, हम लोग सनातनी है, हिंदू धर्म नहीं है साहब। हिंदू माने एक होना, हिंदू का एकता का नाम है, एक बनो। देखो इस पहली बार है कि आप सब मिलकर एक बनकर कथा में बैठे। इतनी सालों से आप कथा करते होंगे पर इतना प्रचार आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा। ठीक है, मेरे यहाँ को इतना जानते नहीं है, तीन गांव ही मुझे जानते हैं, अय्यापुर, उड़मुर और टांडा। अगर मेरी जगह कोई बड़े नामचीन कथाकार को लाते, जो टीवी में आते, आस्था में आते, उनको लाते तो दुनिया कठिन हो जाती, पूरा जलंधर यहाँ आ जाता। क्योंकि नाम की दुनिया है ना साहब, हमारा कोई जानता है, हमारा गुजरात में नाम है साहब, हम आस्था में आते नहीं है, हमारी ताकत नहीं 16 लाख रुपया भरने की, हम तो छोटे साधु है, हमारे पास गाया है कहां से लाके देंगे। मरी बड़े लोग जो लाते तो दुनिया यहां इकट्ठी हो जाती है। मगर शिव महापुराण कहते हैं यहां कोई छोटा मोटा नहीं है, भगवान जिसको जितना बनाता है। जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरे, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरे के दरबार में सबका खाता है। जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सरदार। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। और जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। हर राजा हो या रंक गरीब हो उनको एक समान, राजा हो या रंक गरीब हो उनको एक समान,
की बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए वो सबका सरदार। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। अरे जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। अरे धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, हो धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा हो, फल देगा भगवान। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार और ये भी समझ ले मानव तू है दो दिन का मेहमान, ये भी समझ ले मानव तू है दो दिन का मेहमान, ओ ये भी समझ ले मानव तू है दो दिन का मेहमान, ये भी समझ ले मानव तू है दो दिन का मेहमान। और कितने आकर चले गए हो, जाने को तैयार। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। अरे जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में के दरबार में सबका खाता है। गिरी कहे खुद गिर के संभल जाए जग है नादान, गिरी कहे खुद गिर के संभल जाए जग है नादान, ओ गिरी कहे खुद गिर के संभल जा ए जग है नादान, गिरी कहे खुद गिर के संभल जाए जग है नादान। अरे तेरा बनाया तुझको बनाए हो, तेरा बनाया तुझको बनाए मानव नहीं शैतान। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। अरे जितना तेरे भाग्य में लिखा हो, तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। फिर भोले शिवलहरी फिर भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज पहला दिन है, भगवान व्यास सबको प्रणाम करते हैं। बड़ा उसको कहता है जो झुकता है साहब, स्वयं भगवान का रूप है भगवान व्यास, फिर भी कहते हैं जो शिव कथा सुनते हैं, जो शिव कथा का प्रचार करते हैं, जो शिव कथा में आकर बैठते मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सुत जी ने प्रयागराज में सबको प्रणाम किया,
नियम तो ऐसा है कि जो ऊंचे आसन पर बैठे उसको प्रणाम करते हैं, मगर ये शिव कथा कहते हैं ऊंचे आसन तो इसलिए बिठाया गया है कि कौन सोता है, कौन बैठता है, कौन बातें करते हैं, बाकी सच्चे जागीरदार तो आप ही, हम तो चौकीदार है साहब। इसलिए धन्य है, बोलने वाला महान नहीं है, सुनने वाला महान है, और सुनने वाला से भी ज्यादा महान है जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा आयोजन किया, जिन लोगों ने इसे तन मन धन से जो भी साथ सहकार दिया, और भगवान शिव के चौपड़े में लिखा गया है सब। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी कथा में ताली कीर्तन में बजाना, मेरे गुरुदेव कहता था बीच में ताली नहीं बजाना, कीर्तन आवे तो ताली बजाना। अब बार बार जो कथा में ताली बजा तो इसका मतलब क्या है कि बाबा तूने बोला हमने कान में से निकाल दिया, खत्म। इसलिए आप ताली नहीं बजाना, मेरे कीर्तन में बजाना। अब मैं बार बार कोई दस्तान दो ताली बजा इतना खुश मैं नहीं होगा, मगर जब कीर्तन में बजाओगे तो हम खुश हो जाएंगे। इसे ध्यान से सुनना, हर कथा में ताली बजा तो इस कथा में कीर्तन में ताली बजाना, ध्यान से सुनना। इसलिए भगवान व्यास अपने शिष्य सुत जी को एक कथा सुनाई, और सुत जी ने प्रयागराज में इस कथा आरंभ किया, और संतों ने इस कथा का माध्यम बनाकर आपको और हम तक पहुंचाया। भगवान शिव देवादिदेव महादेव है, दया का सागर है, वो किसी का भी दोष नहीं देखता, और देवी देवता देखेंगे कि कैसा है, इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। महादेव आतंकवादी को भी दे देता है, उसके चरण में जो भी आ जाए, हाँ उसको एक अभिमान पसंद नहीं है। एक दिन ब्रह्मा और भगवान विष्णु इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु कहते हैं मैं बड़ा, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा, दोनों में युद्ध हो गया, इतने लड़े कि बीच में एक खम प्रकट हो गया, दोनों चुप हो गए, खम से तेज इतना निकला कि दोनों के हाथ से हथियार गिर गए। भगवान विष्णु ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, एक काम करते, लड़ना छोड़ो, इस खम कहां से उत्पन्न हुआ है उसका पता लगा, जो इसका पता लगाएगा वो बड़ा। ब्रह्मा जी पाताल में गए, भगवान विष्णु भगवान पाताल में गए, और ब्रह्मा जी ऊपर गए, क्योंकि ब्रह्मा का अश्वार है हंस, हंस आकाश में उड़ता है। भगवान विष्णु कभी कभी वारा बन जाते, पानी में चलते हैं। भगवान पाताल में गए, ब्रह्मा जी आकाश में गए, बहुत वर्षों तक ढूंढते रह गए, इस खंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु भगवान तो बाहर आ गए, ब्रह्मा की राह देख रहे, अब ब्रह्मा जी गए जहां तक उनकी पहुंच थी गए, मगर उसका अंत नहीं पाया, ये कहां तक लंबा है, कितना ऊंचा है, उसको पता न चल सका। तो ब्रह्मा ने कहा अब क्या करूं, इतने में केतकी नाम का पुष्प आ रहा था, ब्रह्मा ने उसको बुलाया इधर आओ, देखो इस खंभ का पता मुझे नहीं चला है कहां तक ऊंचा है, मगर आप मुझे साथ दो और मैं कहूं ऐसा करो तो मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा, केंद्र मंत्री बना दूंगा, और लालच में आज आदमी क्या नहीं करता। उसने कहा क्या करना पड़ेगा, बोले मेरे साथ चल के झूठ बोलना पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, आप लोग तो पिता के ब्रह्मा हो, जब बड़े लोग ही झूठ बोलेंगे तो छोटे का क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा सुनो मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें तुम जो चाहोगे बना सकता हूं, अगर मेरे हाथ में सब आ गया तो। तुम मेरे साथ चलो भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु को मैं कहूंगा कि मैंने इस खंभ का अंत पा लिया, यहां तक ही मैंने देख लिया, अगर मेरी बात न माने तो तुम मेरी हां में हां बोलना, अगर मेरे कहने से तुम झूठ बोलोगे तो तुम जो चाहोगे मैं कर दूंगा। तो केतकी नाम का पुष्प ब्रह्मा की बातों में आ गया, ब्रह्मा के साथ चल पड़ा, भगवान विष्णु थे तहां आए, और ब्रह्मा ने कहा भगवान विष्णु को नारायण क्या आप पाताल में जाकर आए, आपको पता चला ये खंभा कहां तक इसका मूल है। भगवान ने हाथ जोड़कर कह दिया नहीं मुझे पता नहीं चला, आपको पता चल गया, बोले हाँ।